हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फिलहाल क्या है कि अभी जस्ट शावर वगैरह लेके अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं जैसे हम पहले भी करते थे। और फिलहाल गाइस आज मम्मी घर पे नहीं दिखाई देंगे क्योंकि मम्मी गए हुए गांव में ही, किसी की डेथ हुई है वहाँ पे, गए हुए एक डेढ़ घंटे तक, वापस आ जाएंगे। ये प्रभु सब अच्छा अच्छा करना। खाना खा लेते हैं। खाने में ले ली मैंने चपाती, गोभी और साथ में दही। ये देखिए घर में दही बनाया, कितना अच्छा बनाया हुआ मम्मी ने। तोड़ने को भी मन नहीं कर रहा इसको। गाइस मम्मी आ चुके हैं। मम्मी को बोला दोपहर का खाना आज मैं खिलाऊंगा आपको, और मम्मी को बोला मसाला आप कट कर दो। तो फिलहाल मम्मी ने मसाला कट कर दिया, चने भी उबाल दिए और बना के मम्मी मैं खिला दूंगा आपको, ठीक है? है ना गाइस? क्यों, मेरे को ना प्याज कट करना बड़ा मुश्किल लगता है, खाना मुश्किल नहीं लगता। हाँ, इसमें डालो थोड़ा सा, नहीं चढ़ता ही ना प्याज। हाँ हाँ, मिक्स कर दो ये प्याज टमाटर खीरा है गाइस, इसमें डालो, ये भी डालो इसमें। मम्मी चने कुलचा भी बना सकते हैं हम, ये भी डालो, बस वो डालो सैलड। हाँ ये डाल दो, चने कम डालेंगे क्योंकि सैलड ज्यादा खाना चाहिए हमें। और गाइस आप सोच रहे होंगे कि बेड के ऊपर कर रहे हो, बेड के ऊपर अच्छा नहीं, हमें भी अच्छा नहीं लगता, आज पहली बार कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि बाहर से मम्मी आए हैं, गए हुए थे, किसी की डेथ हुई थी, तो अभी जस्ट शावर वगैरह लिया मम्मी ने, तो ना किचन में गर्मी थी, मम्मी कह रही इसी में बैठना, मैंने कहा आप बैठ लो यहीं पे, कट कर लो, बेडशीट तो हमें चेंज करनी है, सोचा अगर गिर गया तो कोई बात नहीं। तो गाइस फिलहाल लेमन ढूंढ रहा हूँ, लेमन तो है ना मम्मी, नींबू एक तो मिल गया, इसको कट कर लेते हैं। ये हमारी है वेजिटेबल्स, और जो इसमें जा रहे चने कम डालेंगे क्योंकि उनमें ज़्यादा बॉयल कर लिए, क्योंकि हर बर्फ एकदम से होते भी नहीं ना। जब से डाइटिशियन ने बोला तो मम्मी को डेली ना मैं कुछ ना कुछ ऐसे बना के दे देता हूँ, मतलब कि मेरा तो नाम ही होता है, सारा काम मम्मी करते हैं, लेकिन उनको फोर्स तो करने पड़ते हैं, ये चीज़ बनाओ तो वो खाएंगे ना। और दोपहर का खाना हम स्किप कर देते हैं क्योंकि मुझे अपना वेट घटाना है, मम्मी को अपनी डायबिटिक सही करनी है। कैसे बने? अच्छा है, नींबू कम है ना, पर ठीक है। भाई अभी टाइम हो चुका है, शाम के 7:30 हो रहे हैं आई थिंक, और अभी जस्ट मम्मी सैर से आए और पूजा करके फ्री हुए हैं, और खाना वगैरह नहीं बनाया क्योंकि आज मम्मी ने सब्जी पहले ही बना दी थी, क्योंकि हमारा एक प्लान था कि हमें थोड़ा सा मार्केट जाना है। पहले सोचा कि कल जाएंगे, आज क्योंकि कल मेरे को जाना भी मेरी हेयरिंग है, और कल के चक्कर में मैंने सोचा आज भी मेरे को निकलना तो है ही है, क्योंकि कुछ ना सामान वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं, मैं इस पर सिद्धार्थ के लिए कुछ खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें ले जाऊँगा, थोड़ी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, एक बास्कट तैयार करवा लूँगा, अदरवाइज़ पता क्या लास्ट टाइम भी हुआ था, छोड़ो यार उस बात को। तो चलिए गाइस फिलहाल क्या है कि मम्मी कह रहे हैं कि मार्केट जाना क्योंकि ना मम्मी को कुछ काम है, तो मम्मी भी रेडी तो नहीं हुए, घर वाले कपड़ों में ही चल रहे हैं। खाना मम्मी फिर बाहर खाना है, बाहर घर के ही खाऊंगे है ना सब। हाँ क्योंकि बाहर का खाना भी चाहिए, अगर डोसा खाना हो तो डोसे में आलू होगा, मम्मी को डोसे पसंद है। अच्छा ये निकाल दिया आपने, कोई बात नहीं गाइस, ये निकाल दिया, इसको पैक करवा लेंगे है ना, ये खाली पड़ा हुआ था, काम आ जाएगा, क्या फ़ायदा, पड़ा तो हुआ ही हमारे पास। गाइज फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मार्केट में, और मम्मी को मैं यहीं पे उतार दूंगा क्योंकि मेरे को करवाना है कुछ सामान पैक, और मम्मी को अपने काम करने वो कर लेंगे, इससे क्या होगा टाइम भी बच जाएगा हमारा, ठीक नहीं मम्मी? ये है ना, यहाँ जाना आपको चोपड़ा के पास, मम्मी को अपनी चुनियाँ डाई करवानी, ठीक है मम्मी है ना, आ जाइए फिर है ना, घूम के जाना पड़ेगा आपको। हाँ मैं फ़ोन कर लूँगा, हो जाएगा, लगेंगे आपको भी 10-15-20 मिनट, बस मैंने भी इतना की टाइम रखना। ओके गाइज मम्मी को भी ना शाम के टाइम कुछ कहा, अपनी चुनियाँ वगैरह डाई करवानी थी और नई चुनिया लेनी थी, मैंने कहा करवा लो आप, और मेरे को भी घर जाके अपने कपड़े प्रेस करने हैं सुबह के लिए, क्योंकि सुबह मेरे को अर्ली मॉर्निंग निकलना है। मैं फिलहाल आ चुका हूँ मार्केट में, एक्चुअली मेरे को करना था सिद्धार्थ के लिए कुछ खाने पीने का सामान, उसके पसंदीदा पैक, क्योंकि मैं पैक करवा रहा हूँ, मम्मी को भी ले आया, मम्मी का काम फ्री हो गया था तो मम्मी भी साथ में ये पैक हो रहा है। हमारा जो सामान वगैरह वो सारा हो गया है, और मम्मी के भी काम हो गए। मम्मी फिर आज क्या प्लान है, बाहर खाना है या घर ही खाना है? देख लो घर खाना ना, मैं सब्जी बना के आई है। अगर डोसा खाओगे तो आलू होते हैं उसमें, प्लेन बनवाने की कोशिश करते हैं, चलो खाते हैं बाहर, मम्मी भी रोज रोज तो आते नहीं अंदर, अंदर नहीं मतलब बाहर आ चुके हैं और बाहर ही खाना खा लिया आज, मम्मी को तो किचन में दे दी हमने छुट्टी क्योंकि बाहर ही खा लिया था,
डोसा खाया मैंने मसाला, मम्मी ने प्लेन, क्योंकि और तो हम कुछ खा नहीं सकते, ना मम्मी खा सकते थे ना मैं खा सकता था। और मम्मी कैसा लगा आपको बाहर आज खा के? हैं? और डाउट पड़ गया कि जो डोसा है कहीं चावल का तो नहीं बना होता, बट रवा भी होता है उसमें, सूजी। तो मैंने कहा मम्मी सूजी भी होती है, फिर अच्छा लगा। और आगे तो अभी मेरे को ना अपने लिए थोड़ी सी तैयारी करनी है, और कुछ सामान मैंने गाड़ी में ही रहने दिया, तो जो मैंने पैक करवाया सिद्धार्थ के लिए, क्योंकि कल जाना है ना मैंने उससे मिलने के लिए, तो थोड़े बहुत स्वीट्स वगैरह, स्वीट्स नहीं मतलब कि उसके कैंडी स्किंडर जो है ऐसे वगैरह, और मैंने हाँ आमंड और कैशू भी डाला उसके लिए, क्योंकि वो भी शार्प बने अपने पापा की तरह है ना। और गाइज फिलहाल मैं ना देखिए कपड़े प्रेस करने हैं, मेरी ना अलमीरा बहुत बुरी तरह भर चुकी है। ये देखिए ये मेरी विंटर वाली है, ये देखिए ये अभी कुछ तो मैंने लगाया ही नहीं, पेंट भी पड़ी हुई है, ये डेनिम जैकेट भी, अभी भी दो शर्टें पड़ी है, मैंने सोचा अब मैं बर्थडे भी पहनूंगा मैं, ये तो ये ब्लैक मैंने पहनी नहीं। और इसमें इसमें चलो सिद्धार्थ के कपड़े ये कल के लिए मैं सोच रहा हूँ ये वाला पहन लूँ, इसको प्रेस कर लेता हूँ। और मेरी डेनिम ये सही है, क्योंकि मैं इनको ना अभी प्रेस कर लूँगा और सुबह टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह मेरे कुछ अर्ली मॉर्निंग उठना है, अर्ली मॉर्निंग निकल जाना है। अगर अभी कपड़ों को प्रेस कर लूँगा ना, एक तो लाइट आप पता नहीं होता सुबह, लाइट ना हो, इन्वर्टर है बट क्या है इन्वर्टर से इस्त्री नहीं ना चलेगी हमारी, तो अभी कर लेता हूँ, वो मेरे 15 मिनट भी बचेंगे कहीं, अभी कर लूँगा ना तो 15 मिनट तो बचेंगे, उतना मैं लेट उठूँगा। मम्मी आपके भी है प्रेस करने को, आपके कपड़े आपके भी करना दे देना, मैं कर देता हूँ। गाइज मैं ना अपने कपड़े खुद ही प्रेस करता हूँ, किसी से नहीं करवाता, कभी कभार पहले करवा लेता था बाहर से, बट अब मैं खुद ही करता हूँ, क्योंकि मेरे को ना जब पहनना होता है ना मैं ताज़ा ताज़ा करता हूँ, ताज़ा ताज़ा पहनता हूँ शुरू से। जब भी मैं स्कूल टाइम में जब भी स्कूल जाता था ना, मैं ऐसे सुबह अपने कपड़े प्रेस करता था, क्योंकि हमारे जो कपड़े हैं ना ये तो अच्छे से होने चाहिए, डिसेंट से वे में। और क्या कहते हैं, मैंने बेडशीट भी चेंज की आज, ये वाली। और गाइस बाहर खाने को तो बहुत कुछ था, स्ट्रीट फूड मार्केट में गए थे, मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने डोसा ही खाया, वो भी प्लेन, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि पता है आपको मेरे भी पेट में इन्फेक्शन था, तो अभी बड़ी मुश्किल से सही हुए, तो सोच रहे हैं कि घर का खाना हेल्दी खाया करेंगे, सैलड घर का खाना, चने वगैरह मम्मी को भी दे देता हूँ मैं बनवा के, मसाला वगैरह तो मम्मी से कट करवाता हूँ और ख़ुद भी खा लेता हूँ, और मेरे को भी अपना वेट थोड़ा सा कम करना है क्योंकि काफ़ी बढ़ रहा है। तो गाइस प्रेस करते हुए इतनी गर्मी लग रही है ना कि पूछो मत, मम्मी को भी करने हैं अपने कपड़े प्रेस, मम्मी कह रहे थे कि आज मेरे को भी प्रेस करने हैं, मैंने कहा अभी कर लेना, सुबह किसी वक्त क्या होता है ना लाइट चले जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है, बस ये है कि सुबह लाइट ना जाए, मेरे ना हेयर है ना जो अच्छे से ड्राई हो जाए ड्रायर के साथ, क्योंकि जब तक मैं हेयर को ना अच्छे से ड्राई ना करूँ ड्रायर के साथ, मेरे को ना मज़ा नहीं आता, मेरे बाल ना बिगड़ जाते हैं। और इस बार हेयर ड्रेसर ने थोड़ी सी गड़बड़ की, 2 सेंटीमीटर कम काटे उसने, उसने अपना फ़ायदा देखा कि अगर मैंने ज़्यादा छोटे कर दिए थे उतना लेट आएगा, बोलूँगा उसको मैं अगली बार, ये क्या किया अपने फ़ायदे के लिए मेरा नुकसान, क्योंकि ना लास्ट टाइम मैंने करवाए थे आपको भी पसंद आए थे और मेरे को भी अच्छे लगे थे। तो गाइस आज इतनी गर्मी होगी ना, हमने सोचा विंटर्स आ गई है ना मम्मी, गर्मी है ना बहुत, आपके कौन से कपड़े पकड़ा दो मेरे को, खुद करने हैं। चलिए गाइस मैंने मम्मी के ना बहुत कभी रेयर बहुत रेयर किया है, मम्मी करवाते नहीं मेरे से, मम्मी कह रही मैं खुद कर लूँगी, चलो खुद कर लेंगे, इसलिए अपना अपना काम करना चाहिए, अपना काम तो इंसान को खुद करना चाहिए ना, उसको पता होता, बस एक ही चीज़ की कमी है, सारे काम कर लेता हूँ मैं, मतलब कि वो कह लो सर्वगुण संपन्न, बस खाना भी बना लेता हूँ लेकिन बनाने को मन नहीं करता, ऐसी बात नहीं कि मैं खाना नहीं बना पाऊँगा अपने लिए, बना लेता हूँ, लेकिन किचन के काम करने में ना मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, नो डाउट करना चाहिए, कोई काम बुरा नहीं होता, ऐसे ही गर्मी अजीब सा लगता है, मैं प्याज भी कट करने में बहुत ज़्यादा वो अपने आप में वो समझता हूँ कि मैं नहीं काट सकता, बाकी तो सब बढ़िया है, पर ऐसे नहीं है कि कभी कभार हम जब कुकिंग कर रहे होते हैं ना लड़के लड़के, तो फिर अलग होता है, घर में नहीं होता मेरे से, अगर मम्मी 2 दिन के लिए चले जाए ना तो मेरे को बाहर से ही खाना सही लगता है, घर में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहते हैं इंसान शादी के बाद सब कुछ सीख जाता है, चले जब शादी होगी तब सीखेंगे, अब ऐसे ही सही जितने देर निकल रही है ज़िंदगी। आप लोगों के ना बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, सजेशन आ रहे हैं, तो थैंक्स आपका। और गाइस ज़िंदगी में ना कहते हैं ना अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है, तो ज़िंदगी में ना मैंने बहुत ठोकरें खा ली है, अब चाहे बादाम खाऊं, चाहे काजू खाऊं,
इनसे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ज़िंदगी में मैंने सीखा है ना, तो मैं उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहता और ज़िंदगी में अपनी माँ को और अपने आप को खुश रखना चाहता हूँ बस। और कुछ नहीं, देखिएगा इस बातों बातों में हमारे कपड़े भी प्रेस हो गए, पता ही नहीं चला, मम्मी खुद कर लेंगे अपने। और मैं इनको रख देता हूँ अच्छे से ताकि सुबह ना करना पड़े, कर लिए मैंने मम्मी अपने तो भाई, इतनी गर्मी कि पूछो मत भाई। इनको इस रूम में रख देता हूँ, ऐसे सुबह ऐसे पहनूंगा, अगर मैंने इसको हैंग किया ना इसका कॉलर ख़राब हो जाएगा, तो ऐसे रहने देता हूँ। चलिए गाइस, कपड़े वगैरह तो प्रेस कर लिए, मम्मी कह रहे थे, मम्मी कह रहे मैंने खुद करने हैं। और अपना अपना तसल्ली होती है ना, हर इंसान को अपना काम करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो दूसरे से नहीं मिलती। और गाइस मम्मी का आप लोग बोल रहे थे कि मम्मी को भी लेके जाना, तो गाइस मम्मी के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है वहाँ पे, और जा सकते हैं। बट मम्मी का ना ट्रैवल आपको पता ही है कैसे हो सकता है, उनकी हालत ख़राब हो जाती है, वैसे भी डायबिटिक है, तो उनको मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट उनका मन भी है लड्डू से मिलने का, तो देखते हैं, बट मुश्किल ही है, वो नहीं जा पाएंगे। बट मैंने बोला कि कपड़े वगैरह प्रेस कर लो अपने, सुबह की सुबह देखते हैं, है ना। बाकी वो तो कह रहे हैं कि मैं निकल जाऊंगी, बट मैं ही मना कर रहा हूँ कि नहीं रहने दो, क्योंकि तबीयत ख़राब होती है, मेरे को पता है, मैं आगे पीछे देर सवेर भी हो जाती है ये सब, था मैं तो फ़िलहाल मना ही कर रहा हूँ मम्मी को, और मम्मी का भी 50-50 है, बाकी देखते हैं। यस, मम्मी ने अपने कपड़े वगैरह प्रेस करके कान्हा जी को यहाँ पे सुला दिया है, गुड नाइट। सब अनु मम्मी सैर करने के लिए गए हैं, अपना सारा काम फ्री हो गया, और मैं भी अभी इस वीडियो को एडिट करूँगा, डालूंगा। और गाइस मेरे को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है ना, कल मैं मिलूंगा सिद्धार्थ से। आपको एक बात बताऊँ, लास्ट टाइम मेरा बर्थडे था 26 को, तो मैं जब 13 सितंबर को ऑर्डर हुए थे मेरे को बेबी से मिलने के, तो 24 सितंबर को मिला था, फिर उसके बाद मैं मिला अपना 11 मई को, फिर मिला 10 जून को, और 11 मई को तो ऐसे रोड साइड पे मिला था थोड़ी देर के लिए, और आज मिल रहा हूँ, कल मिलूँगा, है ना। तो एक बार बीच में शायद मिला भी है, नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा, 3 बार तो डेट ज़्यादा मेरे को, 24 सितंबर, 11 मई और 10 जून, उसके बीच में आई थिंक नहीं है, नहीं तो हाँ नहीं है, ये 3 बार है, चौथी बार मिलूँगा 3 साल में। कहते हैं ना गाइस, करत करत अभ्यास जड़मति होए सो जान, वो टाइम आप ये वाला बोला वाक्य मैंने, कि आपको ना मेहनत करते रहना चाहिए, मेहनत करने से फल जरूर मिलेगा। आज मम्मी बात कर रहे थे कि नन्नू, जब हम मार्केट गए कि नन्नू ये 5 मिनट का रास्ता है, अगर भगवान ने कुछ अच्छा चाहा होता तो यहीं पे मिल लेते, है ना। अगर लेकिन अपने ही बच्चे से मिलने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ रहा है, 200 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर आना, 100 किलोमीटर जाना। तो मैंने बोला मम्मी कोई बात नहीं, वो मेहनत करते हो भगवान फल जरूर देते हैं, तो फल तो चाहे मिलने को हर महीने मिल सकता हूँ, चलो वो उनके ऑर्डर है हर महीने एतवार को मिलने के, अगर सब चीज़ें कोई सही चाहता है करना तो चाहे डेली मिलाए, कितनी दूर, 5 मिनट का रास्ता है, वैसे घूमने हम पुल पे चले जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अभी तक चौथी बार मिलूँगा, चलिए। और उसके गिफ्ट्स वगैरह उसको खाने पीने को मैंने ले लिया है, और कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि अभी तो बाकी सब आगे है, प्रोसेस में ही है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है। और चलिए गाइस, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, मजबूत हूँ, और बहुत ठोकरें खाई है, बहुत अच्छे से ब्रेव हो चुका हूँ, समझदार हो चुका हूँ, बहुत सी चीज़ें सीख चुका हूँ, बस यही चाहते हैं कि उसकी ग्रोइंग स्टेज में उसका बाप अड़चन ना पड़े, वो ग्रो करे, लेकिन उसका मेरा जो प्यार है उसको जब चाहिए मैं हाजिर हूँ, बस ये था। और मेरी लड़ाई तो है ही उसी के लिए, और वो पहचानेगा नहीं, थोड़ा डरता है, देखते हैं कैसे कल रहते रिएक्शन उसके, वैसे अगर वो रेगुलर मिले ना, महीने में भी मिले, तो मेरे को पहचान जाएगा। फिलहाल गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय, बहुत एक्साइटमेंट है, कल मिलेंगे उससे, 10 जून के बाद आप मिलूंगा उससे।